जो नतीजा आता रहा जिसमें मिफ्ता साहब मुबैना तौर पर आगे थे, तब तक कोई शिकायत नहीं थी। अब ये सिर्फ अपनी झेप पिटाने के लिए और जो इस्लामाबाद में बैठी हुई लीडरशिप को उन्होंने एक सुहाने वो ख्वाब दिखा दिए थे कि भाई कोई गली नहीं है जी, तुसी सा बस मैंने टिकट दे दो, ये सीट नहीं जाएगी, वो इंज नहीं आनी। अगर रीपोलिंग हुई तो मुस्लिम लीग 600 वोटों से नहीं हारेगी, ये कम अज कम 5 से 10 हजार वोटों से हारेंगे। पीपल्स पार्टी पर एनए 249 में धांधली का इल्ज़ाम मुज़का खेज़ है, रिलीफ लेने वाले हम पर इल्ज़ाम ना लगाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी हमेशा धांधली के खिलाफ गवाह और इल्ज़ाम लगाने वाले बेनिफिशरी रहे। जहाँ नून लीग जीत जाए बल्ले बल्ले, पीपल्स पार्टी जीते तो डील। जब तक मिफ्ता इस्माइल मुबैना तौर पर आगे थे किसी को शिकायत नहीं थी, दोबारा पोलिंग हुई तो मुस्लिम लीग 10 हजार से जायद वोटों से हारेगी। सईद गनी मजीद बोले बिलावल भुट्टो का सियासी कद मुल्क के दीगर सियासतदानों से बड़ा है, नून लीग इमरान खान और उस्मान बुज़ार को हटाना नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से एनए 249 का रिकॉर्ड फौरी तहवील में लेने का मुतालबा। तर्जमान मरीम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन वोटों के थैले कब्जे में ले ताकि कोई रद्दो बदल ना हो सके। इलेक्शन कमीशन थैलों के सील ढोने को भी यकीनी बनाए, शक है इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया तो कोई गड़बड़ हो सकती है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम दुनिया ने मुस्तरद किया, पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन भी नाकाबले अमल करार दे चुका। इंतखाबी असलाहत का हसास काम पूरी कौम की मंशा और एतमाद से होता है, एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। अवाम की उमंगों और एतमाद का मजहर व महवर पार्लियामान है जिसे 3 साल से ताला लगाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बजाय तबाह बर्बाद मईशत आसमान से बातें करती महंगाई, बेरोजगारी और मरती आवाम की फिक्र करें। नून लीग का इंतखाबी असलाहत पर मुज़ाकरात से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा हमेशा साजिश से बरसर इक्तदार आने वाली जमात क्यों असलाहत की बात करेगी। ये कहना दुरुस्त नहीं कि असलाहत का अमल पार्लियामान की बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली खरीदो फरोख की सियासत पर यकीन रखने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेकार चीज़ है। शहबाज शरीफ समेत कुछ सियासतदान छोटी और महदूद सोच के हामिल हैं। मीम और शीन लीग में घमसान का रन पड़ चुका है। पेशेंट्स हैं जिन पे आइडेंटिफाई हुआ है, एक पे ब्राजीलियन, एक पे साउथ अफ्रीकन, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया है। जो ये चाइनीज वैक्सीन हम दे रहे हैं ये दुनिया में रिकमेंड हुई है, दिस इज अमंग द बेस्ट वैक्सीन, और ये वैक्सीन जो है ये बिल्कुल इफेक्टिव है ब्रिटिश वेरिएंट। गुजरांवाला में कोरोना की सूरत हाल खराब, 100% वेंटिलेटर्स भर चुके, वजीर सेहत पंजाब की तस्दीक। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं गुजरांवाला के हालात नाजुक हैं, वेंटिलेटर्स खत्म हो चुके हैं, पंजाब में ऑक्सीजन की डिमांड का अभी कोई मसला नहीं, बड़े टीचिंग अस्पतालों में ऑक्सीजन पैदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी इकसाम की लहर से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं, मौजूदा कोरोना वायरस बरतानवी किस्म का है, चीन से आने वाली वैक्सीन बरतानवी किस्म के वायरस से बचाव के लिए मौसर है, पाकिस्तान का कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराकों का मुआहदा हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन, दूसरे रोज भी तमाम किस्म के कारोबार और मार्केटें बंद। बैन-ए-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, वैक्सीनेशन सेंटर्स, दूध दही गोश्त और सब्जी की दुकानें ओपन। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की मुश्तरका टीमों का गश्त, बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ चलान। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 41 दुकानें, स्टोर और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील कर दिया गया, 15 को जुर्माने। गुजरांवाला में मार्केटें और बाजार बंद, सहरी और इफ्तारी के वक्त होटल्स पर इंडोर सर्विस जारी।
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें जारी। कराची के जिला बस्ती के मजीद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके शामिल। लॉकडाउन वाले मकामात पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। आज तमाम कारोबारी मराकज हफ्तावार दो रोजा बंदिश के तहत बंद। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील। कराची समेत सूबे भर में इंटरसिटी और बैनुसूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी तीसरे रोज भी बरकरार। उधर केपी के शहर दीर लोयर में भी आज मुकम्मल लॉकडाउन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। कोरोना वायरस के मोहलिक वार मुसलसल जारी। एक दिन में मजीद 113 अमवात, 4414 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 9.74 रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 8,29,000 से तजावज़ कर गई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना के फाल केसेस 89,661 और 5,000 से ज़ायद मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। केला 300 रुपये दर्जन। चीज़ें क्या ले जाएं घर के लिए? रेट तो इंतहाई जी, आसमान से बातें कर रहे हैं, गरीबों के बस से बाहर है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। दुकानदारों के मनमाने निर्ख। आम मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी निर्खनामे से 15 से 20% महंगी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 364 रुपये किलो हो गया। सेब 180 रुपये फ़ी किलो। केला 175 रुपये फ़ी दर्जन फरोख्त। मुल्तान में चीनी और आटे की कमी की शिकायत। गुजरावाला में चीनी के हसूल के लिए तवील कतारें। रमज़ान बाजारों में आवाम के लिए कहीं कहीं रिलीफ। कुछ फल और सब्जियां सस्ते। गुजरांवाला पुलिस भी पतंगबाजी का खूनी खेल ना रोक सकी। कातिल डोर ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। इलाका बागवानपुरा में डोर फिरने से 30 साल नौजवान जांबहक सादिक मोहल्ला गुरु नानकपुरा का रहायशी था। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। किमाड़ी में रोड की तामीर का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा, गुलबाई से वाई जंक्शन तक रोड का काम तेजी से जारी है। इन नालों की तामीर नौ, सफाई और कुशादगी का काम भी साथ में होगा। मुराद अली शाह की प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जून तक रोड मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान गुलज़ार से पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली रईस नबील अहमद और गज़नफर अली खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब की क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया। दोनों ने वज़ीर-ए-आला को अपने हल्के के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। उस्मान गुलज़ार ने कहा कि तरक्की पर हर शहर और कस्बे के अवाम का हक है। साबिक हुक्मरानों ने दूर दराज इलाकों के फंड्स पर जान बूझ कर डाका डाला। सी पैक पर पेशरफ्त हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे गवादर का तामीराती काम तेजी से जारी है। 14.5 किलोमीटर रोड पर काम मुकम्मल, 4.5 किलोमीटर पर काम जारी है। अक्टूबर में मुकम्मल होगी। कराची में अदाकारा हिरामानी के घर के बाहर डकैती। डिफेंस में हिरामानी की गाड़ी जैसे ही घर के बाहर आकर रुकी, दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने यरगमाल बना लिया। गन पॉइंट पर हिरामानी से नकदी और तलाई जेवरात छीन कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। अभी आगाज में आपको बताया कि पीपल्स पार्टी पर NA 249 में धांधली का इल्जाम मुझका खेज है। रिलीफ लेने वाले हम पर इल्जाम ना लगाएं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा कि रिलीफ लेने वाले हम पर इल्जाम ना लगाएं। सईद गनी का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा धांधली के खिलाफ गवाह और इल्जाम लगाने वाले बेनिफिशरी रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाना इतना मज़ाक़ा खेज है। पीपल्स पार्टी ने तो कभी धांधली करने की कोशिश नहीं की, सोचा नहीं। हम तो धांधली से बचाने के लिए लड़ते हैं।
कि भाई खुदा के लिए हमारे साथ धांधली ना हो, हम अपने वोटों को बचाएं। आपकी तैयारी नहीं थी, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। चैनल्स कह रहे हैं कि मिफ्ता जीत रहा है, बस हम जीत गए। इन्होंने ये 8-9 बजे जीत का जश्न किस बुनियाद पर मनाया था? वोटिंग शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने तक एक शिकायत बता दे नून लीग की, एक शिकायत बता दे किसी और जमात की जिसने कहा कि धांधली हो रही है। जमहूरियत की लड़ाई में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मुल्क से बाहर जा सकता था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क से बाहर बैठ सकती थी जान बचाने के लिए। सबको अपनी जान अजीज है, उनके बच्चों को भी अपने वालदेन की जान का ख्याल रखना चाहिए। मुझे इस पर गिला नहीं है, बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, लेकिन फिर दावे नहीं करने चाहिए। तो जो सिलेक्टर्स बने, जो वक्ती तौर पर खामोश हुए, जिन्होंने मुल्क से बाहर जाने के फायदे लिए, जिनको रिलीफ मिले, वो कम अज कम हम पे इल्जाम ना लगाए। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से एन ए 249 कराची का रिकॉर्ड फौरी तहवील में लेने का मुतालबा। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन वोटों के थैले कब्जे में ले ताकि कोई रद्दोबदल ना हो सके। ये कहना था मरियम औरंगजेब का। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन थैलों के सील्ड होने को भी यकीनी बनाए। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया तो कोई गड़बड़ होने का शक है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्देअमल देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को दुनिया ने मुस्तरद किया और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने नाकाबले अमल करार दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को दुनिया ने मुस्तरद किया और इलेक्शन कमीशन ने नाकाबले अमल करार दिया, ये कहना था शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। अपने रद्देअमल में कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का हसास काम पूरी कौम की मंशा और एतमाद से होता है। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। हमेशा साजिश से बरसरे इख्तदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हमेशा साजिश से बरसरे इख्तदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी, ये कहना दुरुस्त नहीं। इस्लाहात का अमल पार्लियामेंट की बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है, फवाद चौधरी ने ट्वीट की है और लिखा है कि जाहिर होता है कि इन्हें निज़ाम की समझ है, ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी। खरीदो फरोख्त की सियासत पर यकीन रखने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेकार चीज़ है। मुआवने खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्दअमल सामने आया। कहा शहबाज शरीफ समेत कुछ सियासतदान छोटी और महदूद सोच के हामिल हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा खाओ पियो और लुटो पुटो जमातों के अलावा पूरी कौम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की हामी है। ईरान और अफगानिस्तान के साथ ज़मीनी सरहदी इंतजाम नाफिज NCOC के मुताबिक नज़रसानी पॉलिसी 4 और 5 मई की दरमियानी शब रात 1 बजे से लागू होगी। ईरान और अफगानिस्तान के साथ नया ज़मीनी सरहदी इंतजाम का नाफिज हुआ है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा रज़िया खान ने। जी रज़िया, क्या मालूमात हैं? इमरान, बिल्कुल कोरोना SOPs के पेशी रजा जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेज हैं और दीगर ममालिक में जो कोरोना की मुख्तलिफ अकसाम फैल रही हैं उसके हवाले से NCOC ने एलानिया जारी किया है, जिसके मुताबिक जो ईरान और अफगानिस्तान हैं इनकी जो बॉर्डर जो ज़मीनी रास्ते हैं वो सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो बंद कर दिए जाएंगे। जो कार्गो सर्विस है, कार्गो सर्विस के अलावा जो तजारती अमूर हैं उस पर कोई बंदिश किसी किस्म की नहीं है, वो असरअंदाज नहीं होंगे, लेकिन जो ज़मीनी रास्ते से जो मुसाफिरों का आना जाना है उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। 4 से 5 तारीख की जो दरमियानी शब होगी उससे ये पाबंदी का इतलाक हो जाएगा और ये 19 से 20 तारीख तक की शब के दरमियान ये इतलाक जारी रहेगा, जिससे कबल नज़रसानी का इजलास फिर किया जाएगा और उस पर ये मुशावरत की जाएगी कि इस नज़रसानी इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि ये जो बंदिश है इसको बढ़ाना चाहिए या यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल ये 20 तारीख तक की जो बंदिश है वो ज़मीनी रास्ते पर सिर्फ ईरान के और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, जो ज़मीनी रास्ता है उसके मुसाफिरों के आने जाने के लिए पाबंदी का इतलाक होता है, लेकिन इसमें जो मुसाफिर जो ईरान वापस जाना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान वापस जाना चाहते हैं, उनको आज़ादी है, वो वापस जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया रज़िया खान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
गुजरांवाला के अस्पतालों में वेंटिलेटर 100% भर गए हैं। वज़ीर सेहत पंजाब की तस्दीक, डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं होम वैक्सीनेशन पंजाब के अलावा कहीं नहीं हो रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से ये बताया गया, होम वैक्सीनेशन पंजाब के अलावा कहीं नहीं हो रही। मजीद कहा, सूबे में ऑक्सीजन की डिमांड का